अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान सैफ। कराची में डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह है वैक्सीनेशन ना लगवाना। तो आए जानते हैं कराची की आवाम वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगवा रही है। मैं खुदा की कसम एटम बम गिरा दूंगा पाकिस्तान के ऊपर। बोलूंगा मैं तो मुल्क ही नहीं हूँ। अरे अगर नहीं लगवाई ना तो घर से उठा के बहुत मारेंगे और कुत्तों को खिला देंगे। लगवानी पड़ेगी, नहीं भी चाहते तो लगवा लो यार। वैक्सीनेशन लगाएंगे तो कोरोना से बचेंगे। हाँ, अच्छी चीज है, बुरी चीज है? अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। इमरान खान कैसा इंसान है? गंदा है। वैक्सीनेशन लगाओ, पाकिस्तान को बचाओ। आओ चिप्स खाओ, ओनली ऑन। आपने वैक्सीनेशन लगवाई? नहीं, अभी नहीं लगवाई। लगवा लो। नहीं यार, नहीं लगवानी। क्यों भाई? वैसे हमने किसी ने नहीं लगवाई हमारी बिरादरी में, खानदान में। मेरे भाई ये बताओ, वैक्सीनेशन लगवाई है? यार वैक्सीनेशन कैसे लगवाएं, जो लगवा रहा है भोसड़ी का मर रहा है यार। हमारे सामने चार बंदों ने लगवाया, चारों ही बंदे मर गए। सर जी, वैक्सीनेशन लगवाई है आपने? जी मैंने वैक्सीनेशन लगवाई है, और मैंने जो दूसरे लोग हैं उनको भी ऐसे में इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ। जी जाना है, एक्सपेक्टेशन अभी तक नहीं लगवा। क्यों सुस्ती क्यों हो रही है इतनी? महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। वैक्सीनेशन तो फ्री में लग रही है? फ्री में लगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट तो है ना। बाइक नहीं है आपके पास? नहीं। अच्छा, 11 साल से बेरोजगार। आपको मतलब नहीं लगवानी? नहीं भाई, अल्लाह बचाए भाई, कब्रिस्तान में फिलहाल जगह खाली होने तो फिर लगवाएंगे यार। क्या मजदूरी करते हो? अभी मुझे काम मिला है कब्रिस्तान में सफाई का। अभी कराची में जो लॉकडाउन लग चुका है, बहुत सख्त लगा है। अबे ये सिंध गवर्नमेंट जो है, बयान बच्चों तो शुरू से ही खराब है। सिंध गवर्नमेंट ने और इमरान खान ने मिलकर कोरोना ईजाद किया है दोनों ने। कभी ऐसा हुआ कि पानी डाल रहे हो मुर्दा दिख गया? हाँ हाँ, बचपन में ऐसे निकालते रहे हड्डियाँ बाहर निकाल लेते थे। हाँ, मुर्दों की लाइफ में होता है। क्या क्या चीज़ें निकाली हैं मुर्दों की बाहर? खोपड़ी। नहीं करो यार। हाँ यार। अच्छा सदर जाने के क्या लोगे? सदर जाने के 400 रुपये। वैक्सीनेशन लगवाई है? नहीं। क्यों? हाँ लगवानी है, मैसेज आ गया। मैसेज करा था। कराची के हालात बिगड़ गए, वैक्सीनेशन लगवा लो। हाँ लगवाएंगे। बाबा आपने लगाई वैक्सीनेशन? नहीं नहीं लगवाई। आपकी उम्र क्या है? उम्र होगी 60-70 साल होगी। 60-70 साल। हाँ आप तो लगवा लो ना वैक्सीनेशन। अभी लगाया, अभी अभी। कैसे हो? ठीक हो। वैक्सीनेशन लगवाई? लगवाई थी। कब लगवाई है? तकरीबन 15 दिन होगा। अगर आपको एक दिन के लिए इमरान खान की जगह बिठा दिया जाए, सबसे पहले आप आँख खोलेंगे अपनी सुबह, सही है? उसके बाद क्या करेंगे? मैं खुदा की कसम एटम बम गिरा दूंगा पाकिस्तान के ऊपर। बोलूंगा मैं तो मुल्क ही नहीं हूँ। सुकून में बैठे रहे, कब्र में जाएंगे ना। अच्छा, मतलब डॉक्टर बनने का शौक था आपको? नहीं, मुझे पायलट बनने का शौक था। पायलट मेडिकल में लेक्चर देता रहा हूँ। नहीं नहीं, बाकी जो जितने भी मिनिस्टर बैठे हुए हैं भैया, तो सबको डालो पानी के जहाज में बिठाओ। उस कश्ती के अंदर किस किस को होना चाहिए? उस कश्ती के अंदर सबसे पहले जरदारी साहब को होना चाहिए। अच्छा, और हमारे फिर इमरान खान है। अच्छा, और उसके अलावा नवाज शरीफ साहब है हमारे, माशाल्लाह इज्जत वाले बंदे, भैया के लोड़े उसको। क्या पैसे लेते थे आप 1.5 घंटे की स्पीच के? मैं पैसे नहीं, फिर सभी अपना लेक्चर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक भेजना चाहता हूँ, ताकि वो रिसर्च करके हमारे सेक्रेटरी कल दिमाग आवामी पिस रही है यार। देखो ना, ये भोसड़ी का सुबह नाश्ता भी नहीं किया, घर वालों ने इनको निकाल दिया घर से बाहर। ये बच्चे? हाँ, घर अभी नाश्ते की तलाश में घूम रहे हैं ये बच्चे। सर उनको मदद मिलती? कितना पढ़े हैं आप? मैं वैसे इल्म के हिसाब से तो 1 क्लास है, लेकिन डिग्री तो दोस्त यार कहते थे ले लो, डॉक्टर की भी ले लो। वैक्सीन कुछ लोग बोल रहे सही नहीं है लगवाना। भाई वैक्सीनेशन लगाओगे तो बचोगे, नहीं लगाओगे तो मरोगे। कभी जहाज उड़ाया? जहाज नहीं, वो सबसे बड़े आपकी समिंग जो होती है मेडिसिन की होती है। मेडिसिन? जी जी, सब पता है आपको। जब रशिया और अमेरिका टुकड़े हो जा रहा था, डॉलर चांद पर पहुँचने के लिए वहाँ मिट्टी लेके आए। चांद पर पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? चांद अगर पहुँचना है हमें, किस चीज़ की जरूरत पड़ी? वो तो पहुँचे हुए हैं चांद पे, तो अब तो वहाँ से उन्होंने अपना जो लॉस था उसको वहाँ आपस में तार करके सेटेलाइट से, अब आपके जो आईडी कार्ड में चिप है वर्ल्ड लेवल पर मिसाइल आपके तक। आपने किसी को देखा कि लगने के बाद किसी को कुछ हुआ? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो लगा लो ना। हाँ लगवाएंगे। कब जाओगे? कल या परसों।
कल या परसों जाओगे? बिल्कुल, पक्की बात है ना? हाँ, वादा कर लो। वादा है इंशाल्लाह, जब वैक्सीनेशन हो जाएगी बाबा की बीमारी अनकरीब खत्म हो जाएगी। हाँ, लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, हमारे पास कोई आए तो लगाए। नहीं पूछा, नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, पहली बार आप पूछ रहे हो हमसे। अच्छा, एच वैट मुझे नाम नहीं याद। वैक्सीनेशन लगवाओ, टेस्ट कैट, वैक्सीनेशन हाउ कैन लगाओ। जाए एक्सपो सेंटर, हाँ हॉस्पिटल जाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं, खुद भी बचें औरों को भी बचाएं। कराची के हालात क्या होगा, मतलब सबकी खैर मत दुआ करेंगे। सही और बच्चों को समझाएंगे वैक्सीनेशन लगवाओ। हाँ सही वे सब लगाओ चाहे लगा लो। हम अभी तक पिछले जितने भी लोग मिले थे सबसे हमने पूछा आप वैक्सीन लगाएंगे, उन्होंने बोला हाँ हम लगाएंगे। अबे वो चुतिया बना रहे हैं, वो सब चुतिया बना रहे हैं आपके डर की वजह से बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं है, वैक्सीन कोई नहीं लगाएगा भाई जी। तो देखा आपने, मुझे तो कराची की आवाम सीरियस लगी नहीं रही है, लेकिन हमारा काम था अवेयरनेस फैलाना, वैक्सीनेशन लगवाना, जो कि आपका भी फर्ज बनता है। अगर आप चाहते हैं हमारा पाकिस्तान बचे तो अपने दोस्तों को, बीवियों को और बच्चों को वैक्सीनेशन करवाइए, पाकिस्तान को बचाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाइए, स्ट्रीट शो को सब्सक्राइब करवाइए।